फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनिष्ट भाई समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जाने का एक पर्पस ये है कि दिल्ली हार्ट एक एग्जीबिशन लगता है, वहाँ पर देखने चलते हैं कि ये दिल्ली हार्ट नाम से जो फेमस एग्जीबिशन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट हैं और इसमें क्या स्पेशल है दिल्ली हार्ट में। जी हाँ, बहुत ही नाम है इस दिल्ली हार्ट एग्जीबिशन का। तो सबसे पहले मैं दिल्ली पहुँच कर आपसे करता हूँ बात, और उसके बाद में दिल्ली हार्ट का नज़ारा देखते हैं किस तरह से ये लगता है। चलिए मिलते हैं एग्जीबिशन में। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन जो कि दिल्ली हार्ट नाम से है, और ये मेट्रो स्टेशन जो है एग्जीबिशन जो लगता है दिल्ली हार्ट, जो जगह है एग्जीबिशन लगने वाली दिल्ली हार्ट, उसी नाम से ये मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ पर आना कैसे है वो समझ लीजिए। जैसे ही आप दिल्ली रेलवे स्टेशन से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, आपको मेट्रो स्टेशन नज़र आ जाएगा। वहाँ से 40 रुपये का टिकट कटवाइए और दिल्ली हार्ट के लिए आप आ जाइए। दिल्ली हार्ट नाम से ही आपको टिकट लेना है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर आने के बाद में जैसे आप यहाँ पर उतरते हो, उतरने के बाद में गेट नंबर 2, जी हाँ याद रखिएगा, गेट नंबर 2 से आपको दिल्ली हार्ट रेलवे स्टेशन से मेट्रो से बाहर निकलना है। जस्ट उसके सामने आपको दिल्ली हार्ट नज़र आ जाएगा जो एग्जीबिशन लगा हुआ है। हम लोग बाहर आ चुके हैं। बाहर आप देखोगे कि ये जो बोर्ड लगा है ये गेट नंबर 2 का ही बोर्ड लगा है, तो यहाँ से ही आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलते ही आपको नज़र आने वाला है जहाँ पर हम लोग आए हैं, जिसका नाम है दिल्ली हार्ट। जी हाँ, यही हम एग्जीबिशन देखने आए हैं, तो जाहिर सी बात है यहीं पर हमको जाना है। ये रहा दिल्ली हार्ट। अब हमको रोड क्रॉस करना पड़ेगा, चलिए रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रोड क्रॉस कर लिया है हमने, अब चलिए चलते हैं अंदर। ये आपको अंदर, जब जैसे ही आप अंदर के लिए बढ़ोगे तो ये बोर्ड वगैरह सब आपको नज़र आने लगेगा कि भाई ये एग्जीबिशन जो है ये भारत सरकार द्वारा ही आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जितने भी आप लोग देख रहे हो, ये जो छोटा बिजनेस करते हैं, ये लोग अपना फड़ लगाए हुए हैं नीचे, इनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। चार्ज जो लिया जाता है वो अंदर जो स्टॉल लगाए हुए हैं दिल्ली हार्ट के, जो एग्जीबिशन लगाए उनसे चार्ज लिया जाता है, जो भी इनका मिनिमम चार्ज होता है। और ये दुकानें कैसे अलॉटमेंट होती हैं वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अंदर जाने के लिए टिकट लेते हैं, टिकट देख लेते हैं कितने रुपए की है। तो जब हम टिकट लेने गए तो इसमें तीन भागों में डिवाइडेड है टिकट। पहला छोटे बच्चों की 20 रुपये, बड़े लोगों की 30 रुपये, और फॉरनर जो होते हैं उनकी 100 रुपये की टिकट है। तो फ्रेंड्स, टिकट ले ली है हमने, ये है टिकट, 30 रुपये की टिकट है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब ये टिकट हम देंगे सिक्योरिटी गार्ड साहब को और हम लोग करेंगे एंट्री अंदर के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर एंट्री हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, किसी को अगर सेल्फ़ी लेनी है पीएम मोदी के साथ में, तो पीएम मोदी के साथ में सेल्फ़ी ले लीजिए, क्योंकि सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इस मेले की, एग्जीबिशन की। तो ये जो एग्जीबिशन होते हैं ना, ये एग्जीबिशन है सरकार द्वारा लगाया हुआ। जी हाँ, ये गवर्नमेंट अलाउटमेंट करती है इन एग्जीबिशन को, और इन एग्जीबिशन का जो खर्चा होता है वो स्टॉल वाले देते हैं। एक दुकान का 500 रुपये पर डे, 600 रुपये पर डे का रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकानदार आके यहाँ पर दुकान ले लगा सकता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो एग्जीबिशन है सिर्फ स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जो हैंडीक्राफ्ट आइटम को डील करते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते हैं, वही लोग यहाँ पर एग्जीबिशन लगा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो भारत सरकार द्वारा ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है ना, इसमें जितने भी प्रोडक्ट आप देखोगे, जितनी भी दुकानें देखोगे, सब में ही हैंडीक्राफ्ट आइटम मिलेगा आपको। चाहे वो सूट हो, सलवार हो, साड़ी हो, चद्दर हो, या लेडीज़ बैग हो, सब सबरा ही जितना भी प्रोडक्ट होगा ना, वो सारा हैंडीक्राफ्ट आइटम में ही आता है। हाथों से बने हुए सामान को ही हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ये मेले आयोजित करती है, ताकि छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनका भला हो सके। ये देखिए, लेदर के बैग हैं, ये भी सारे हैंडीक्राफ्ट में ही आते हैं। तो ये सारा जितना भी बाज़ार लगा हुआ ना हैंडीक्राफ्ट, ध्यान रखिएगा, वो लोग अगर ये सोच के आते हैं कि भाई मुझे यहाँ से फ्रिज लेना है, या टीवी लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने हैं, तो वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये सिर्फ हैंडीक्राफ्ट बाज़ार है, जहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ें, चाहे होम डेकोर का आइटम हो, चाहे आपका पहनने का आइटम हो, जो भी आइटम होगा सारा हैंडीक्राफ्ट आइटम ही मिलने वाला है। भीड़ इसलिए अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं अभी दोपहर के टाइम आया हुआ हूँ, शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ रहती है, और फिर थोड़ा सा कभी कभी स्लो भी चलता है मेला, कभी कभी फास्ट भी चलता है, सीज़न के टाइम अच्छा चलता है, तो इस तरह से भीड़ देखने को आपको मिलेगी। लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन दिनों भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। अभी देखिए, इस जितना भी आपको मेला लगा है, इसमें कई सारी दुकानें हैं, इसमें दुकानें जैसा कि मैंने आपको बताया उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास आर्टिसन कार्ड होता है। जी हाँ, उन्हीं लोगों के लिए दुकानें मिलती हैं।
यहाँ पर थोड़े मैंने प्रोडक्ट जाने थे कि भाई प्रोडक्ट कितने रुपए का कैसा मिलता है, तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन यूनिकनेस बहुत है। आपको ये बाज़ारों में जो चीज़ें हैं ना जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर देखिए कपूरदानी मैंने पूछी थी यहाँ पर, तो ये 400 रुपये की कपूरदानी यहाँ बताई थी। वैसे बेसिकली 400 रुपये की तो नहीं, लोकल में 250-300 रुपये की आराम से मिल जाती है, पर भाई एग्जीबिशन है तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा सस्ता तो लगा रहता है। फिर यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो यही देखने को मिला कि ये जो बाज़ार है हैंडीक्राफ्ट का ही बाज़ार है, हैंडीक्राफ्ट का ही बाज़ार है, अदरवाइज़ अदर कोई इक्विपमेंट अदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मेले में सिर्फ इतना ही। चलिए अब एक अंकल के पास चलते हैं जिनकी बांसुरी सुनने के बाद में वो बात जादू है जिसको सुन के आप मग्न हो जाओगे। तो चलिए सुनते हैं अंकल की बांसुरी। तो फ्रेंड्स बांसुरी सुनने के बाद में आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बांसुरी बहुत ही प्यारी है। और सेकंड चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।